नौकरी पेशा के लिए ईपीएफ में हर महीने कटने वाली रकम बहुत मायने रखती है। इस छोटी छोटी राशि से आपका एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है और सरकार की तरफ से इस पर रिटर्न भी अच्छा मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपके इस अनिवार्य निवेश को पंख लगा देता है। ईपीएफ में जमा पैसा आपका है, लेकिन इसे आप दो ही स्थितियों में निकाल सकते हैं। पहला, कर्मचारी की नौकरी छूट जाने पर, अगर वो दो महीने तक लगातार बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयड है तब, और दूसरा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अगर आप चाहें तो नौकरी के बीच में पीएफ से फंड की आंशिक निकासी आप कर सकते हैं। इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं? पीएफ का पैसा पाने का जो पहला कारण है वो परिवार में किसी की शादी या पढ़ाई से जुड़ा हो सकता है। अगर आपकी बहन, बेटी, बेटा या किसी खास परिजन की शादी है, या फिर आप अपनी या बच्चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ से आंशिक निकासी करना चाहते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपकी 7 साल की नौकरी होनी जरूरी है। 7 साल की नौकरी के बाद आप अपने अंशदान के 50% तक की रकम को आप निकाल सकते हैं। पीएफ का पैसा आप मकान या जमीन खरीदने के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर कर्मचारी 5 सालों तक निरंतर यानी लगातार सेवा में है तो वो घर के निर्माण या खरीद के लिए राशि निकाल सकता है, लेकिन ये रकम एक निश्चित सीमा तक ही निकाली जा सकती है। घर के लिए जमीन खरीदने के लिए आप अपने मासिक वेतन के 24 गुना तक और घर खरीदने या बनवाने के लिए अपने मासिक वेतन का 36 गुना तक का रकम आप निकाल सकते हैं। होम लोन के भुगतान के लिए भी पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को 3 साल तक नौकरी में बने रहना होगा। इस सुविधा के तहत 90% राशि निकाली जा सकती है। आप मेडिकल उपचार के लिए पीएफ का पैसा भी निकाल सकते हैं। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए कर्मचारी के योगदान के बराबर या मासिक वेतन के 6 गुना तक जो भी राशि कम हो उतनी राशि आप निकाल सकते हैं। काम के दौरान किसी हादसे में स्थायी रूप से विकलांग होने पर या फिर कंपनी के बंद हो जाने पर पैसा निकाला जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इस तरह की आपात स्थिति में किसी तरह की बंदिश नहीं होती। आप कभी भी ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कंपनी 15 दिन से ज्यादा बंद रही है तो इस सिचुएशन में भी कर्मचारी ईपीएफ से पैसे निकाल सकता है। जो भी उन्होंने अपने ईपीएफ के तौर पर जमा किए हैं वो अपने हिस्से का पूरा पैसा कभी भी निकाल सकता है। अगर आपकी नौकरी छूट गई है या आपने छोड़ दी है तो 1 महीने के बाद ही आप फंड की निकासी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 75% तक रकम निकाल सकते हैं। बकाया राशि को नए रोजगार मिलने पर आपके नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन 2 महीने लगातार बेरोजगार रहने पर आप पीएफ की पूरी रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नौकरी के दौरान पैसों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पीएफ बैलेंस का कुछ हिस्सा या एडवांस पीएफ निकालते हैं तब आपको पीएफ निकासी फॉर्म 31 की जरूरत पड़ती है। इसे ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 कहा जाता है। वहीं जब आपको ईपीएफ के पूरे फंड की निकासी करनी होती है तो आप पीएफ निकासी फॉर्म 19 का इस्तेमाल करते हैं। इसे पीएफ क्लेम फॉर्म 19 कहा जा सकता है। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी पीएफ से पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है तो आप ये वीडियो देख के समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है।